नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कैनरा बैंक की इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे बनाया जाता है। अगर आपका कैनरा बैंक में अकाउंट है और आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से कैनरा बैंक का इंटरनेट बैंकिंग और यूज़र आईडी और पासवर्ड बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, तब समझ में आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहां पे सर्च बार में यहां पे आपको टाइप करना है, यहां पे आपको लिखना है कैनरा बैंक नेट बैंकिंग। यहां पे आपको सिंपली क्या करना है, कैनरा बैंक नेट बैंकिंग लिखकर सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहां पे आपको सबसे ऊपर में देखने को मिलेगा कैनरा बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट। बस क्या करना, आपको सिंपली यहां पे आपको देखने को मिलेगा नेट बैंकिंग सर्विसेज ऑनलाइन बैंकिंग। बस क्या करना, सिंपली आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपके सामने इसका इंटरफेस इस तरह से देखने को मिलेगा। उसके बाद यहां पे अपना नेट बैंकिंग में रजिस्टर्ड करने के लिए यानी रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली आपको यहां पे आपको नीचे देखने को मिलेगा नेट बैंकिंग लॉगिन न्यू। बस क्या करना, आपको सिंपली नेट बैंकिंग लॉगिन न्यू में आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका इंटरफेस इस तरह से देखने को मिलेगा। यहां पे अपना नया अकाउंट यानी कैनरा बैंक में अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए नेट बैंकिंग का सिंपली आपको क्या करना, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना। जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगा क्रिएट रीसेट लॉगिन पासवर्ड। तो गाइस यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे अपना न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना, क्योंकि कैनरा बैंक में होता है क्या कि आपका पहले से ही आपका यूजर आईडी जो होता है कस्टमर आईडी के थ्रू आपका पहले से आपका अकाउंट यानी पासबुक जो होता है उसमें दिया रहता है। तो यहां पे आपको सिंपली यहां पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक नहीं करके यहां पे आपको देखने मिलेगा येलो कलर का क्रिएट रीसेट लॉगिन पासवर्ड। बस क्या करना, आपको सिंपली यहां पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका इंटरफेस इस तरह से देखने मिलेगा। तो गाइस सबसे पहले यहां पे आपको देखने मिलेगा ऊपर साइड यूजर आईडी। तो इस बॉक्स में क्या करेंगे गाइस, यहां पे अपना यूजर आईडी डालेंगे। आपका जो यूजर आईडी होगा वो आपका कस्टमर आईडी होगा, यानी आपका जो बैंक का पासबुक होगा कैनरा बैंक में, कैनरा बैंक का जो पासबुक होता है उसमें आपका यूजर आईडी यानी आपका कस्टमर आईडी लिखा होता है। बस क्या करेंगे, सिंपली अपना कस्टमर आईडी यहां पे आप टाइप करेंगे। यहां पे क्या करना, अपना पासबुक चेक कर लेना, आपका पासबुक में फ्रंट पेज में होता है आपका कस्टमर आईडी, उस कस्टमर आईडी को इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। उसके बाद यहां पे आपको नीचे देखने को मिलेगा डेट ऑफ बर्थ, यानी क्या करेंगे यहां पे आपको इस बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए सिंपली आपको यहां पे राइट साइड में यहां पे आपको देखने मिलेगा कैलेंडर। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस कैलेंडर में क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका आ जाएगा, यहां से अपना डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना। सबसे पहले यहां पे आपको देखने मिलेगा ईयर, यहां पे क्या करेंगे सिंपली आपको इस ईयर में क्लिक करेंगे। ईयर में क्लिक करने के बाद यहां पे आपका ईयर चूज करना, कौन सा ईयर आपका, यहां पे सबसे पहले अपना ईयर चूज करेंगे। उसके बाद गाइस यहां पे आपका देखने मिलेगा मंथ, देखने मिल जाएगा कौन सा मंथ है, अपने अनुसार यहां पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहां पे आपको नीचे देखने मिलेगा रिटेल यूजर कॉर्पोरेट यूजर। तो आपको यहां पे सिंपली रिटेल यूजर में आपको यहां पे क्लिक रहने देना, यहां पे आपको चेंज नहीं करना है। यहां पे आपको रिटेल यूजर में क्लिक रहने देना। उसके बाद यहां पे आपको नीचे देखने मिलेगा अकाउंट नंबर, यहां पे क्या करेंगे आपका जो भी कैनरा बैंक में अकाउंट नंबर होगा आपका पासबुक में, उस अकाउंट नंबर को यहां पे आपको सही सही फिलअप करना है। यहां पे अपना अकाउंट नंबर को सही सही फिलअप करने के बाद उसके बाद यहां पे आपको नीचे देखने मिलेगा यहां पे आपको पैन नंबर, पासवर्ड, आधार नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, इनमें से आपको यहां पे चारों में से आप किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, जो भी आपको चूज करना है। जैसे यहां पे आप अगर पासपोर्ट चूज करेंगे तो पासपोर्ट नंबर यहां पे आपको फिलअप करना होगा। अगर आप पैन नंबर यहां पे चूज कर रहे हैं तो यहां पे आपको पैन नंबर फिलअप करना होगा। तो यहां पे अपने अपने अनुसार यहां पे आपको चूज करना है। जैसे मैं यहां पे इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप करूंगा तो यहां मैं अपना आधार नंबर पे इस जगह सेलेक्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद गाइस यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको अपना आधार नंबर इस बॉक्स में सही सही फिलअप करना है। आधार नंबर फिलअप करने के बाद उसके बाद यहां पे आपको नीचे देखने को मिलेगा प्लीज इंटर योर न्यू लॉगिन पासवर्ड। यहां पे आपको देखने को मिलेगा प्लीज इंटर योर न्यू लॉगिन पासवर्ड। इस बॉक्स में क्या करेंगे, अपना एक नया पासवर्ड यहां पे आपको क्रिएट करना होगा आपका नेट बैंकिंग के लिए, यानी आपका जो इंटरनेट बैंकिंग होगा कैनरा बैंक का, उस कैनरा बैंक का नेट बैंकिंग को बनाने के लिए यहां पे आपको एक पासवर्ड फिलअप करना होगा, यानी पासवर्ड वो बनाना होगा। तो वही पासवर्ड आपको यहां पे नीचे देखने को मिलेगा री इंटर लॉगिन पासवर्ड। जो भी पासवर्ड आप यहां पे ऊपर फिलअप किए उसी पासवर्ड को आपको नीचे में सही सही फिलअप करना है। उसके बाद यहां पे अपना पासवर्ड फिलअप करने के बाद उसके बाद यहां पे आपको नीचे देखने मिलेगा कैप्चा। इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में सही सही फिलअप करना है। यहां पे अपना सारा डिटेल्स को क्या करेंगे, सही सही फिलअप करेंगे। जैसे यूजर आईडी, यहां पे अपना कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, रिटेल यूजर में क्लिक करना, यहां पे अपना अकाउंट नंबर, उसके बाद यहां पे अपना आधार नंबर, यहां पे पैन नंबर भी चूज कर सकते हैं। पैन नंबर चूज करेंगे तो यहां पे अपना पैन नंबर फिलअप करना है। उसके बाद यहां पे अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, यहां पे अपना न्यू री इंटर लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो गाइस यहां पे अपना जो पासवर्ड करेंगे, पासवर्ड जो क्रिएट करेंगे, यहां पे अपना स्ट्रांग पासवर्ड क्रिएट करना है। यहां पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं इस तरह से अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। मैं यहां पे आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं, इस तरह से अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना, वही पासवर्ड को आपको नीचे फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहां अपना डिटेल्स को, सारा डिटेल्स को मैं यहां पे सही सही फिलअप कर लेता हूं। यहां पे अपना सारा कुछ सही सही फिलअप करने के बाद उसके बाद यहां पे आपको नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू। बस क्या करना, आपको सिंपली आपको इस कंटिन्यू
कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर वगैरह देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना आपको, सिंपली यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा कन्फर्म, बस क्या करना सिंपली आपको इस कन्फर्म में यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कन्फर्म में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी को सेंड किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे देखने ओटीपी हैज बीन सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज इंटर दैट ओटीपी। यानी आपको इस बॉक्स में एक ओटीपी को फिलअप करना, जो भी आपके बैंक अकाउंट जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आता है। तो मेरा यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, मैं यहाँ पे अपना ओटीपी को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना ओटीपी को सही सही फिलअप करने के बाद उसके बाद क्या करना आपको, यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा सबमिट, बस क्या करना आपको सिंपली इस सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ऊपर साइड, यहाँ पे आप देखेंगे सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर यूजिंग द फैसिलिटी, योर इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन पासवर्ड इज सेट, प्लीज क्लिक बिलो टू लॉगिन। यानी आपका यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग में सक्सेसफुली यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। यहाँ पे आपका जो इंटरनेट बैंकिंग कैनरा बैंक का इंटरनेट बैंकिंग है, ये सक्सेसफुली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका और आपने जो भी पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपका आपका अकाउंट का यानी आपका इंटरनेट बैंकिंग का वो पासवर्ड रहेगा और आपका यूजर आईडी जो रहता है वो आपका कस्टमर आईडी रहता है हमेशा के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा लॉगिन, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट यानी अपना इंटरनेट बैंकिंग में सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यूजर आईडी। इस बॉक्स में क्या करेंगे, आपका जो बैंक का पासबुक में कस्टमर आईडी होता है उस कस्टमर आईडी को यहां पे फिलअप करेंगे। उसके बाद यहां पे आप जो भी पासवर्ड यहां पे आपने बनाए होंगे अपना पासवर्ड को इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। तो चलिए मैं यहां पे अपना यूजर आईडी और मैं जो भी पासवर्ड मैं अभी बनाया हूं उस पासवर्ड को यहां पे फिलअप करता हूं और यहां पे अपना कैप्चा को सही सही फिलअप कर लेता हूं। यहाँ पे अपना यूजर आईडी यानी अपना कस्टमर आईडी यहाँ पे फिलअप करने के बाद, यहाँ पे अपना पासवर्ड को फिलअप करने के बाद, यहाँ पे अपना कैप्चा को सही सही फिलअप करने के बाद, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा लॉगिन, बस क्या करना आपको सिंपली इस लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आप इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने मिलेगा, एक तो कंटिन्यू और यहाँ पे स्किप फॉर लेटर। बस क्या करना सिंपली आपको यहाँ पे आपको स्किप फॉर लेटर में आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप फाइनली यहाँ पे जो इंटरनेट बैंकिंग है कैनरा बैंक का, यहां पे आप सक्सेसफुली यहां पे आप लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहां पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पे आपका करंट सेविंग बैलेंस देखने मिल जाएगा। यहां पे देख सकते हैं मेरा बैलेंस है। उसके बाद यहां पे आपका देखेंगे जो भी यहां पे आपका डिपॉजिट वगैरह होगा सारा कुछ यहां पे आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद यहां पे आपको और भी काम करना चाहते हैं, जैसे अपना एटीएम कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो कैनरा बैंक के नेट बैंकिंग के थ्रू अपना एटीएम कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अपना बैंक अकाउंट में अपना पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट में पैन कार्ड लिंक नहीं, पैन कार्ड भी लिंक कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। कैनरा बैंक के नेट बैंकिंग के थ्रू अपना पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, रिचार्ज भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, यानी सारा कुछ आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं बैंक का, तो यहाँ पे आपको सिंपली देखने मिलेगा व्यू स्टेटमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। यहाँ पे अपना जो स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं यानी किस मंथ का निकालना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करके अपना स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे अपना बैंक का स्टेटमेंट निकाला जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कैनरा बैंक से रिलेटेड मैं और वीडियो अपलोड करते रहूंगा, इसलिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहां पे अपना इंटर यानी सक्सेसफुली अपना कैनरा बैंक में इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने के बाद आप यहां पे नीचे आएंगे तो यहां पे आप सारा कुछ देखने मिल जाएगा। जैसे देखेंगे मैनेज बेनिफिशियरी फंड ट्रांसफर, यानी आप किसी को बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहां पे फंड ट्रांसफर में क्लिक करके अपना बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहां पे सारा कुछ आपका देखने मिल जाएगा। यहां पे आप कब अपना ट्रांसफर किए हैं, कितना बैलेंस निकाले हैं, सारा कुछ आप यहां पे हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से बढ़िया आसानी से अपना कैनरा बैंक में इंटरनेट बैंकिंग को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सक्सेसफुल यहां पे लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।